Hello everyone, welcome back to our channel. I hope all are doing good. Good morning guys. तो सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं. तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी मुमताजा के पास जाएंगे. यहाँ बुहेर में जो मुमताजा है वहीं जा रहे हैं हम. वहाँ ना फ्रेश फिश मिलता है वहाँ पे. तो बहुत दिनों से हम सिर्फ चिकन ही खा रहे, चिकन खा खा के पक गया. तो थोड़ी फिश खाएंगे आज. वैसे फिश, यहाँ का फिश ना मुझे बहुत मतलब स्मेल आती है, पर कभी कभी फिश खाने का मन करता है क्योंकि हम गांव में तो बहुत फिश खाते हैं ना. तो मन करता है कभी कभी खाने के लिए. कभी कभी फ्रोजन वाला भी लाते हैं जो 5 kg 3 kg का आता है ना, वो पूरा बर्फ जैसा ही रहता है. वो मशीन में काट के लाते हैं, जैसे आप पीस बोलो वैसे काट के दे देते हैं. वो ना बहुत अच्छा लगता है. आलू के साथ मैं करी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है और उतना स्मेल भी नहीं आता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इसीलिए हम आज बहुत मन कर रहे हैं फिश खाने का. तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ और फिश वहाँ कैसा कैसा फिश मिलता है देखते हैं. और तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और न्यूली विजिट करें मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब. चिप्स खाइबू, एटा चिप्स ना फिश. चले चले, हाँ मामा ना. तो खाने पे आज बनाए हैं हमने रोटी और चिकन, ब्रोकली और प्याज को हल्का सा फ्राई करके खा रहे हैं. और ये एवोकाडो सलाद है जिसमें टमाटर है, ककम्बर है, एवोकाडो है, प्याज है, जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी. मम्मा यहाँ बैठ. राज आजा बैठ, खाने के लिए बैठ. तो ये रहा मेरा प्लेट. तो फटाफट खाना खाते हैं, फिर बहुत काम है आज. डिसाइड करो दोनों कि टीवी देखनी है कि बैलून लेना है, दोनों में से एक ही चूज करना है. टीवी? क्या बैलून या टीवी? बैलून, बैलून चाहिए दोनों को. टीवी नहीं देखनी रिद्धि, बोल टीवी नहीं देखनी, बोल दे एक बारी, बस मैं बैलून दे दूंगी. डिसाइड करो पहले क्या चाहिए तुम्हें. बैलून, बैलून रिद्धि, बैलून. टीवी नहीं देखनी तो फिर क्यों रो रही थी तू, क्यों रो रही थी? हाँ रो क्यों रही थी तू? अभी रो रही थी, देखो पूरा पलट गई. भाई ने बोला ये देखो मैं झूठ नहीं बोलू, आंसू देखो इसके आंखों से निकला है, झूठ नहीं बोल रही मैं. माँ अभी भाई ने बोला कि बैलून चाहिए इसलिए पलट गई है. देखिए कितना सारा कपड़ा है, मतलब कैमरा में भी नहीं आ रहा है, इतना कपड़ा धोया मैंने. तो कितना सारा कपड़ा देखा आपने, वो सारे फोल्ड करूँगी अभी. मतलब सारे ठंड के ही कपड़े हैं और कुछ बच्चों के और हमारे कपड़े हैं. मतलब अभी सर्दी ख़त्म हो गया है ना, तो सारे सर्दी वाले कपड़े मैं पैक करके रखने वाली हूँ. और इसे धोने के लिए मैं मतलब 4 दिन से वेट कर रही हूँ इसे धो के रखूँगी. 2 दिन तो बारिश हो रही थी इस वजह से मैं धो ही नहीं सकी. और जब तीसरे दिन मैं मशीन में एक बारी मैंने डाल दिया था और वो हो भी गया था, मैंने निकाल दिया. जब सेकेंड टाइम डालने वाली थी
तब क्या हुआ ना, मशीन घूमा ही नहीं बिल्कुल भी, और मशीन देखा तो ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा चलो मन है तो इतना सारा धो लेती हूँ, क्योंकि अभी ठीक से धूप भी नहीं आ रहा है, तो कितना मतलब दिन इतना वेट करूँ कि कब पता नहीं मशीन ठीक होगा, क्योंकि राज के पापा की आफ्टरनून शिफ्ट चल रही है, उसके बाद नाइट शिफ्ट, देन छुट्टी आएगी, 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, इसलिए मैंने खुद हाथों से ही धो लिया। एक तो हालत ही ख़राब हो गई है, इतना सारा फोल्ड करके रख देती हूँ, जब फिर से सर्दी आएगा फिर निकालूँगी। तो चलिए फटाफट काम फिनिश कर देती हूँ। तो चलिए मेरा काम तो ख़त्म नहीं होगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।